बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहादुर वो नहीं जो लोगों पर छाड़ दे, बल्कि बहादुर वो जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। आपने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा है तो उसे चाहिए कि वो इंसान खामोशी इख्तियार करे। इमाम अली ने इरशाद फरमाया, घर में गुस्सा होना गोया इंसान के उस घर को वीरान करना है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तुम जलता है तो बजाय गुस्सा होने के उनके जलन की कदर करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान को आग से पैदा किया गया है और आग को पानी से बुझाया जाता है, लिहाजा तुम में से किसी को गुस्सा है तो उसे वजू कर लेना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से किसी को गुस्सा है, अगर वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर गुस्सा दफ़ा हो जाए तो ठीक, वरना वो इंसान लेट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नज़दीक ये चीज़ का घूंट उस गुस्से के घूंट से बड़ा नहीं जिसे कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए पिए, उसके अलावा कोई ज़्यादा सवाब नहीं रखता। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि गुस्से के वक्त कोई फैसला मत करना और खुशी के वक्त कोई वादा मत करना। आप सल्लम की खिदमत में एक शख्स ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने कई दफ़ा यही सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा यही जवाब इरशाद फरमाया कि तुम गुस्सा ना किया करो। आपने इरशाद फरमाया कि तुम